हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मेरे पास एक और रेशियो का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये एक कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के कुछ रेशियो में होते हैं, और इन सब पैसों को जोड़ के कुछ रुपये दिए जाते हैं, और लास्ट में आपसे पूछ लिया जाता है कि 5 पैसे के, 10 पैसे के या 1 रुपये, 5 रुपये के नोट, अलग अलग डिनोमिनेशन होता है, और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने कॉइन्स हैं। तो हमारे पास देखिए रेशियो है 1:3। तो यहाँ सबसे पहले तो हम 1:3 को लिख लेंगे। ओके, लिख लेने के बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट चाहूँगा कि मैं आपको समझा दूँ। कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आपके पास एक सिक्का 5 पैसे का है तो 5 पैसे की उसकी कीमत हुई, 2 सिक्का हुआ तो 10 पैसा हुआ, 10 सिक्का हुआ तो 50 पैसा हुआ, क्लियर है। 20 सिक्का होगा तो ये 100 पैसा हो जाएगा, 100 मीन्स 1 रुपया, 100 मीन्स 1 रुपया। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 25 पैसा है, और एक बार चीज़ और देखिए, मान लीजिए आपके पास 20 सिक्के हैं, 5 पैसे के आपके पास 20 सिक्के हैं, आपके पास कितने रुपए होंगे, आप कैसे निकालेंगे इसको? हम डिवाइड करेंगे किससे? 20 से। अब आप पूछेंगे ये 20 कहाँ से आया, ये तो 20 सिक्का हमारे पास है, अब ये 20 कहाँ से आया? तो जनरली 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और हमारे पास 5 पैसे के सिक्के हैं, तो उस 5 से हम डिवाइड करके ये हम 20 लेके आए हैं, ये नीचे वाला। इसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 पैसे का सिक्का, तो ये रेशियो में 1 है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 10 पैसे का है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, और ये 5 पैसा है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 20 से सबको, और ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया, और ये कन्वर्ट होने के बाद ये हो गया आपका 30 रुपये। इसको रेशियो एलसीएम लेके एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 5x, ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 3x बराबर में 30। फिर ये आपके पास ये सॉल्व कर 5 4 9 3 12 12x बराबर 30 मल्टीप्लाई बाई 20, यानी x बराबर हो जाएगा 30 20/12, 6 × 12 6 × 5 = 30, 2 से 1 काटेंगे 10, यानी x की वैल्यू आ गई 50। x की वैल्यू 50 तो आई, लेकिन हम यहाँ x एग्जैक्टली नहीं रख देंगे कि यहाँ, जैसे मान लीजिए इसमें हम पूछा क्या हमसे है 5 पैसे का, तो मान लीजिए इसमें हम 3 × 5/20 रख के और 3/4 हमने आंसर निकाल दिया, ऐसा आंसर नहीं रखेंगे हम, x इसमें रखेंगे इस क्वेश्चन में। इसमें ये 1x है, ये 2x है और ये 3x है, तो x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। अगर यहाँ रखेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएंगे, यहाँ रखेंगे तो सॉरी ये 50, ये 100 और ये जो है 150। तो 25 पैसे के सिक्के हमारे पास 50 हुए, 10 पैसे के 100 और 5 पैसे के 150 सिक्के, इसलिए हमारा आंसर यही हमसे पूछा गया, 5 पैसे के सिक्के कितने हुए। ओके, थैंक यू।